जब से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव अखिलेश यादव की पार्टी से वापस जुड़े हैं, तब से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी उनकी सिक्योरिटी घट जाती है तो कभी उनको लेकर कोई नई जांच शुरू हो जाती है और अब तो उनके परिवार पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ऐसा शिवपाल यादव का कहना है, जिन्होंने अब योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाकर सियासत को गर्मा दिया। चलिए आपको भी बताते हैं कि शिवपाल यादव का और क्या कुछ कहना है। अभी फिलहाल मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। कभी सीएम योगी चाचा भतीजे पर तंज कसते हैं तो कभी चाचा भतीजा सीएम योगी पर तंज कसते हैं। इसी सिलसिले में अब चाचा शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर जोरदार तंज कसा। शिवपाल यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आप भी सुनिए उनका ये बयान। तब भी इस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है और यहाँ तक कि हमारे घरों पर, हमारे परिवार के घरों पर तो ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो ये एक तरह से लोकतंत्र पर सीधा फरियाद है इनका, अधिकारियों से मिलकर सरकार के सारे पर तो ये हो रहा है। तो सुना आपने। आपको ये भी बता दें कि एएनआई के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि पिछले चार दिनों से सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। उनमें से कई को गालियां दी गई, जबरन गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, लेकिन भाजपा चुनावों में तोड़फोड़ कर रही है। यूपी सरकार से बेहद नाराज दिख रहे शिवपाल सिंह यादव ने ये भी कहा कि जिस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है वो अभी तुरंत उसके यहाँ जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो डीएम और पुलिस कप्तान के ऑफिस का घेराव भी करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मैनपुरी और इटावा में उनके घर, एसएस मेमोरियल स्कूल और जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां निगरानी कर रही। ड्रोन कैमरों से निगरानी को उन्होंने निजता का बड़ा उल्लंघन बताया। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार चाहे जितने जुल्म कर ले, लेकिन मैनपुरी में हवा सपा की है और डिंपल यादव ही यहां से जीतेंगी। बता दें, अभी कुछ दिनों पहले ही शिवपाल यादव की प्रदेश सरकार ने सुरक्षा जेड श्रेणी से घटाकर वाई श्रेणी में कर दिया है। इसके बाद शिवपाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा से यही उम्मीद थी, यही अपेक्षा थी, भारतीय जनता पार्टी से यही अपेक्षा थी। अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करे। क्या लग रहा है, क्या वजह रही है, मतलब क्या डर गए चुनाव में एक हुए इसलिए? अब देखिए, डिंपल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। मैनपुरी चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी और सपा दोनों अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे मैनपुरी पर कब्जा किया जाए। और जब से इस चुनाव को लेकर चाचा शिवपाल भतीजा अखिलेश के साथ आए हैं, तब से तो और भी ज्यादा बयानबाजी हो रही है। मैनपुरी पहुंचे सीएम योगी ने शिवपाल यादव पर तंज कसा था और उन्हें खूब सुनाया था। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। वही सीएम योगी को अखिलेश यादव ने जवाब भी दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए तो पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे। फिलहाल अभी की हो रही सियासत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।